पटना महानगर के उपाध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा जी का हत्यारों ने सुबह में हत्या कर दिया है। ये बहुत दुख की बात है। आज लगातार पटना सिटी में कई की हत्या हुई है, ये बहुत शर्मनाक है, पुलिस प्रशासन के लिए शर्मनाक है। पुलिस प्रशासन का अपराधी में भय खत्म हो चुका है। आदमी अपने दरवाजे पर सुरक्षित नहीं है। सुशासन बाबू की सरकार कहती है कि चल रही है, लेकिन आम आदमी का जान का कोई कीमत नहीं है। आज सुबह सुबह भाजपा के नेता श्याम सुंदर शर्मा और मुन्ना बाबा की हत्या कर दी गई है अपराधियों द्वारा, और इसी को लेकर सरकार में जदयू और भाजपा गठबंधन सरकार है, उन सरकार के ही लोग जो हैं, भाजपा के लोग जो हैं, आज सड़क मार्ग को जाम कर दिए। ये पूरा मामला पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के नई सड़क सिटी फूड सेंटर के पास का है। हम आपको दिखा रहे तस्वीर, सीधा तस्वीर देखिए कि सिटी फूड रेस्टोरेंट है जहाँ पर मुन्ना बाबा की जो हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर उन्हें सुबह आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वहीं आज मुन्ना बाबा की हत्या को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं वो पूरा रोड को, सड़क मार्ग को जाम कर दिए हैं। हालांकि हम उनसे जानेंगे कि आखिर भाजपा जो भाजपा नेता मुन्ना बाबा हैं वो उनकी हत्या अपराधियों ने की है, इसको लेकर इन्होंने सड़क जाम किया है, क्या कुछ मांगे हैं हम उनसे जानेंगे। हमारे मंडल के पूर्व उपाध्यक्ष, मंडल के पूर्व पटना महानगर के उपाध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा जी का हत्यारों ने सुबह में हत्या कर दिया है। ये बहुत दुख की बात है और कई घटना घट रही है पटना सिटी में। इसका जिम्मेदार पूरा के पूरा प्रशासन है। प्रशासन के द्वारा जिस तरह से सेना हमारे देश की सुरक्षा करती है, उस तरह से हमारे जो प्रशासन है, जनता की सुरक्षा का जिम्मा प्रशासन के पास है। किस गली और चौक चौराहे में असामाजिक तत्व है, उसको निगाह रखना उनका काम है। आज लगातार पटना सिटी में कई की हत्या हुई है, ये बहुत शर्मनाक है, पुलिस प्रशासन के लिए शर्मनाक है। पटना सिटी का चौक थाना क्षेत्र है ये, और यहाँ पर पटना सिटी डीएसपी 2 और पटना चौक थाना का बीच का एरिया यूँ कहें कि एकदम नज़दीकी है। उसके बाद भी यहाँ पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था कितनी रहती है, क्योंकि सुबह का समय था और जैसे देखा गया सीसीटीवी कैमरा में कि मुन्ना बाबा बैठे हुए थे और अपराधी उनको घींच कर हत्या कर देती है, तो क्या इससे संकेत लगता है कि अपराधी का मनोबल कितना बड़ा है बिहार में? पुलिस प्रशासन का अपराधी में भय खत्म हो चुका है। पुलिस प्रशासन अपना केवल फॉर्मेलिटी अदा करती है, घटना घटने के बाद वो आती है साइट पर और पूछती है क्या हुआ, कैसे हुआ, आप ही लोग से, हम ही लोग से पूछता है। ये प्रशासन की काम है, किस गली में कौन रहता है उसका एक एक को नज़र रखना चाहिए। देखिए, हमने भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं हमने उनसे बात की और उन्होंने पूरा दोष पुलिस पर ही मर दिया है, और पुलिस प्रशासन के खिलाफ लगातार जो है वो नारे लगा रहे हैं मुर्दाबाद के। आप बता दें कि ये पटना सिटी का चौक थाना क्षेत्र है जहां पर पटना सिटी डीएसपी 2 भी नज़दीक में बैठते हैं, और ये जैसे पटना सिटी का जो ये भाजपा नेता का दूसरा हत्या है। हम आपको बता दें कि बीते दिनों में आलमगंज थाना क्षेत्र में एक भाजपा नेता की जो सुधा बुद्ध पर हत्या कर दी गई थी, अभी भी उस मामले ठंडा ठीक से नहीं हुआ है। लेकिन चौक थाना क्षेत्र में आज फिर से एक भाजपा नेता श्याम सुंदर शर्मा है, उनकी हत्या कर दी गई है, और अपराधी बड़े ही आराम से फरार हो जाते हैं, और पुलिस अभी तक जो है जो हाथ पर हाथ धर के बैठी है। और कहीं ना कहीं देखा जाए कि पुलिस की सुस्ती पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। भाजपा के कई कार्यकर्ता यहां पर हैं, दिक्कत हम उनसे भी और जानेंगे और समझेंगे कि आखिर भाजपा नेता की जिस तरह से हत्या हुई है उसको लेकर अपनी जो विचार है क्या कुछ कहते हैं। हम चलिए, संजीव यादव जी हैं, भाजपा के नेता हैं और काफ़ी कर्मठ हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि भाजपा की जो श्याम सुंदर जो शर्मा है उनकी हत्या कर दी गई है, इसको लेकर ये क्या कहते हैं बताइए। भाजपा नेता की हत्या कर दी गई, बगल में चौक थाना भी है और सतना सिटी डीएसपी 2 का ऑफिस भी, ऐसे में क्या देखते हैं आप? देखिए, इस घटना से हम सभी लोग मर्माहत हैं, पूरे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मर्माहत है कि बहुत ही निशंस हत्या की गई है। और हम लोग के भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के मंडल अध्यक्ष चौक के रहे, व्यवहार कुशल, परस्पर सहयोगी, परस्पर सहसा संबंध रखने वाले, लेकिन ऐसी कौन सी बात आ गई कि अब वहाँ चुपचाप मंदिर पर दर्शन करके बैठे थे, किसी परिवार को विदा करना था, टेम्पो के इंतज़ार में थे और तीन अज्ञात लोग हेलमेट पहन के आते हैं जैसा कि सीसीटीवी कैमरा में दिखाई पड़ रहा है, और उनकी हत्या कर दी जाती है चैन और मोबाइल लेने के चक्कर में। अब कौन सा बात है, उसी के लिए हम लोग अपराधी को यथाशीघ्र गिरफ्तार किया जाए ये मांग किया जा रहा है, क्योंकि लगातार आए दिन किसी न किसी, अभी हमारे मित्र
गायघाट मंडल के जो उपाध्यक्ष है अजय शाह जी का हत्या कर दिया गया, अभी तक उद्भेदन नहीं हुआ है। तो प्रशासन में जो डर और धमक था वो अपराधियों में ख़त्म हो गया है, उसको जगाना पड़ेगा। और इसी विषय को लेकर हम लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि यथाशीघ्र अपराधी को गिरफ्तार करके उचित कार्रवाई करें। तो कहें यूँ नहीं कहें कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए इन्होंने सड़क जाम कर दिया गया है और अपराधियों को पकड़ने के लिए लगातार भाजपा के नेता लोग भी विरोध कर रहे हैं। हम आपको तस्वीर एक और दिखाएंगे कि माले के लोगों ने भी सड़क पर उतर गए हैं और जो है सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है। हम उनके पास भी चलेंगे और जानेंगे कि आखिर जो है कि देखिए इसमें लिखा है श्याम सुंदर के हथियारों को तत्काल गिरफ्तार करो। हम इनसे भी जानेंगे कि आखिर जो है भाजपा नेता की हत्या जो है की गई है। इसमें हालांकि इन्होंने बैनर वगैरह लग के चल रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार में बढ़ते अपराध पर रोक लगाएं। भाकपा माले पटना सिटी, हम इनसे भी जानेंगे, बताइए कि भाकपा माले के नेता हैं आप और आप लगातार देख रहे हैं पटना सिटी में हत्या। श्याम सुंदर शर्मा मुन्ना शर्मा जी का आज 5 बजे सुबह में आप जहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं वहीं पर हत्या हो जाता है। बेचारे मॉर्निंग वॉक के लिए अपने घर मात घर के दरवाजे से रोड पर आते हैं, बैठ करके कोई आवश्यक बात करते हैं, अपराधी आते हैं मोटरसाइकिल से और गोली मार के मोबाइल और सिकड़ी छीनने का कोशिश करते हैं और गोली मार देते हैं। क्या कुछ मांग रहे हैं? आज आदमी अपने दरवाजे पर सुरक्षित नहीं है। सुशासन बाबू की सरकार कहती है कि चल रही है, लेकिन आम आदमी का जान का कोई कीमत नहीं है। हम मांग करते हैं कि अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी हो, मुन्ना शर्मा के परिवार को 10 लाख रुपया तत्काल मुआवजा दिया जाए और अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाया जाए। चौक थाना के प्रभारी को जो है कि मुअत्तल किया जाए, इसलिए कि यहाँ की जो बिहार की DIG है, DGP है, वह कह रहे हैं कि बिहार में सुशासन है, यहाँ सब लोग भयमुक्त है, लेकिन पटना में पर दिन कभी किसी महिलाओं की हत्या होती है, किसी का बलात्कार होकर के हत्या होती है और उसी का संलग्न मुन्ना शर्मा जो कभी IPF भाकपा माले में भी वो थे, में भी वो थे और बाद में वो कहीं और गए। और जो है इसके लिए जो कहती है कि मॉर्निंग वॉक जहाँ भी होगी पुलिस जो है कि तटस्थ रहेगी, लेकिन पुलिस जो है कि घटना के 1.5 घंटा बाद आती है, जबकि घटना से पटना चौक थाना की दूरी 200-250 गज की दूरी है। और ये प्रशासन जो है ये भोर में जो जिप्सी देखते हैं, ये जो है कि बालू वाले गाड़ी को खंगालते हैं कि कहाँ खड़ा है और कहाँ उससे पैसा लिया जाए। मतलब साफ तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर कि सीधा सीधी कि पुलिस जो है सुबह सुबह जो है बालू माफियाओं के से मिलकर अपना जो काम करती है, लेकिन आप बता दें कि जिस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं पुलिस प्रशासन पर और चौक थाना को निलंबित करने के लिए साफ तौर पर कह रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि लगातार भाजपा नेता का जो हत्या हो रहा है पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र में इस बीते दिन हुआ, आज पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में जो है श्याम सुंदर शर्मा जी का हत्या कर दिया गया है। हत्या हुई है और क्या मांग करते हैं? सड़क जाम किए हैं आप लोग? क्या मांग? सड़क जाम किए हैं इसीलिए कि मेरे पिताजी के दोषी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, बस यही है। पब्लिक सुरक्षित नहीं है, मेरे पिताजी घर से निकलते हैं हमको गोली मार देता है, पुलिस कुछ नहीं कर पाई है। अभी तक उनका मोबाइल ऑन है, मोबाइल ट्रेस नहीं हो पा रहा है कहाँ उनका मोबाइल है, कौन क्या किया, फुटेज भी आ गया लेकिन अभी तक कुछ पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। तो क्या लग रहा है, क्या वजह हत्या के पीछे, क्या वजह? हत्या का वजह छिनछोरी हुई है, पिताजी से कोई दुश्मनी खास है नहीं, खास क्या कभी दुश्मनी नहीं है, पूजा पाठ वाला इंसान है, पहले भी कभी किसी तरह का कोई दुश्मनी किसी उनका नहीं। इस तरह की घटना पर पुलिस का क्या एक्टिविटी? पुलिस अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं कर पाई है, बस यही। कितने बजे घटना हुई? 4:30 बजे सुबह में। ये पास में SDPO कार्यालय है, क्या लग रहा है कि सुबह का टाइम था इस तरह से? सुबह का टाइम भी कुछ नहीं हो पा रहा है तो बाद में क्या बनेगा? क्या नाम है? मेरा नाम रवि शर्मा हुआ, बड़े पुत्र, हम उनका बड़ा बेटा है। तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी कि जिसको लेकर जो सड़क पर उतर गए माले के लोग भी हैं और भाजपा के नेता, हालांकि आपको बता दें सबसे बड़ी खबर ये है कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष के नेता नंदकिशोर यादव ने भी इस हत्या को लेकर दुख जताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया के हैंडल से ये दुख जो है जताया है और जताते हुए उन्होंने कहा है कि काफ़ी मुझे आहत हुआ है मुन्ना शर्मा की हत्या को लेकर, और उन्होंने पुलिस प्रशासन और से जो है कहा है कि जल्द से जल्द अपराधियों को
गिरफ्तार करे। वहीं अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी अब सवाल खड़ा हो रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है बिहार में काफ़ी बिगड़ता नजर आ रहा है, ऐसे में सरकार पर जनता कैसे भरोसा करेगी, जब मॉर्निंग वॉक में किसी की हत्या हो जाएगी तो फिर ये किसी की रात में घर जाने के क्रम में अगर हत्या हो जाएगी तो इसको लेकर सरकार पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। पटना सिटी से NBC 24 के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।